हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया पुआ ब्लॉग यूट्यूब चैनल को आपण मानको पुनी थरे स्वागत। काली जोठो आमे छाड़ी जायतले आज सेइठो स्टार्ट करिबा स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग, मनी अर्निंग, आपण केमिति करि परिबे स्टॉक मार्केट रे टंका इनकम, ए सब जिंस विषय रे जदि आपण जानिबाकू चाहंती चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करि परिबे। आज होची एपिसोड नंबर 25। काली मु आपण मानको कहि कि जायतली गोटे रकम रखी एटा चैलेंज थिला कि आज आमे पुनी प्रॉफिटेबल रहिबु एवं आज जहां मु एनालिसिस करची आज पई आनि कि 13 अक्टूबर 2022 पई से वन बाय वन गोटा परे गोटे ठीक हो चलो जदि मार्केट से हिसाब से चलला। तेना मार्केट से हिसाब से न चलने आपण किसी तो ये मैजिकल जर्नी पुणी चली आशा करी आपण मैंने शिखुंट आपण मैंने प्राक्ट कर शिखा जागुड़ाक रीतिमत प्राक्टिस दौंस तेज चलत स्टार्ट करवा पुणी थे आनालीसीस। आज के डेट में आम स्टूडेंट मैंने किसी प्रॉफिट कर तार किसी झलक देखनी। ये जन स्टूडेंट 500-1000 rupees प्रॉफिट कर इटी जन 850 प्रॉफिट कर निफ्टी में इटी जन 3400 rupees प्रॉफिट कर कौन लिखिं आपण जन से ओडिया आमर फॉलोअर मेंबर जी कि मोर स्टूडेंट ग्रुप अच्छा क्या यहाँ हूँ एसके स्टूडेंट ग्रुप या कमी जॉइन करेंगे कह भी आपण लेवल विश्वास तो सी शिखुंत सहित सहित सी कम कर एसके स्टूडेंट ग्रुप जो ग्रुप स्टूडेंट मानक किसी लर्निंग आइडिया दि जाए शिखापी ये हूँ आम आंड्रॉइड आप एवं पर्यटन जानना ना जब एवं जानले आंड्रॉइड आप को इनस्टॉल करेंगे ये आम आम कोर्सेस को प्रोवाइड करूँ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और सब बड़ा इंटरेस्टिंग कथा ओडिया कोर्स एथेर अवेलेबल अच्छी जोटा कि जस्ट 20 days एगो आम लॉन्च करूँ तो ओडिया कोर्स को आप जॉइन करेंगे पढ़ापढ़ी स्टार्ट करेंगे सहित सहित से ग्रुप जो ग्रुप्टा था एर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एड हो पारे तो सब बड़ कथा ओडिया कोर्स जॉइन करने 1000 rupees डिस्काउंट एंड सेटा केत दि जाने एंजेल ब्रोकिंग सहित एंजेल ब्रोकिंग सहित तले दिखाई लिंक रे फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे जहाँ भी क्वेरी अच्छी आपको पचारि पारे विश्वजित सार कांटाक्ट करेंगे लिंक अच्छे डिस्क्रिप्शन में ताटो बड़ कथा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी प्रोवाइड कर देखो ये सब कहार कारण हूँ मुझे जहाँ लिखिकी देखी कल से ही बस आपण मैंने शिखा दरकार निफ्टी क्लीयरली कही 17,000-17,030 गोटे बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट निफ्टी कौटी ना कौटी आज जो अचानक मार्केट देखो एठी क्लोज होता 17,130 मार्केट क्लोज होता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गोटे न्यूज आसला जहाँ फल मार्केट अचानक क्राश है बैंक निफ्टी 600 points निफ्टी अनएक्सपेक्टेडली क्राश है तो मार्केट जो यगर एठिक खसुच्छी आपको एटी कहुचे ये जगह बायर देखा मिले भाई क्लीयरली बाय डाउट कि ना 17,000 odd लेवल रु 17,080 17,080 पर्यंत निफ्टी जाए 80 points मूव से पुणी थे बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी ऑप्शन सेल कर प्रॉफिट कर बुझिपारे यहाँ मुझे शिखे थी आपलिका डेट में कही बजाज फाइनान्स स्टक कौन हम से विषय भी आपको सविशेष तथ्य दिखाला सविशेष बजाज फाइनान्स पूरा लिखिकी देखी भिड जी देखुं कम्प्लीटली एंड पर्यंत देखूँ कारण एमती का आनालीसीस या पूर्व आप देखिथे कारण आम सब शिखेवाक चेष्टा करूँ ठीक मैनर्रे 7,100-7,120 भितर जब बजाज फाइनान्स आसूची से सपोर्ट मिल कौन कंडीशन में एक्जाक्टली 7,114 हूँ आज डे लो ये ब्राकेट भितर को आसला यू सपोर्ट नाला स्टक् सीधा जा 60-70 points उपरक भाई आउ कौन दरकार मुझे जानवाक चाहूँगी आपण मैंने प्राइस एक्शन शिखे स्टॉक मार्केट रे जी कह कि हाँ ऑप्शन ट्रेड करूँ आप अंधाधुन पशिजे कौन आप करोड़पति होते गोटे परसेंट सिंगल परसेंट भी चांसेस ना मुझे बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम एनआईएसएम क्लीयर करके आई जाची जे ऑप्शन को छाड़ी दुनिया में 99% सब अच्छे किमें ऑप्शन को लेकिन पूरा बर्बाद ऑप्शन शिखे मुझे शिखौच किंतु टाइम दिंतु जो मैंने मार्केट में नुआ अच्छा शिखा आरंभ करूँ शिखापी बेस्ट प्लाटफर्म आप एंड्रॉइड आप इनस्टॉल कर कोर्सेस सहित जॉइन हो पारे कारण मुझे लिखिकी देखी कल 7,100-120 भितर ही सपोर्ट सेमती एटी भी अचानक फल है 7,230 क्लोज होता स्टक् जदि अचानक फल हो जगह कह जगार सपोर्ट थी देखो स्टक् सीधा उपरक जाए आज का डेट में ग्रुप कौन ट्रेड कर देखे से रिलायंस तो रिलायंस इंडस्ट्री क्लियर कट वे रे रिलायंस इंडस्ट्री 2380 गोटे बाय था 2380 रिलायंस इंडस्ट्री गोटे बाय था कारण ये इंडिकेशन क्लीयरली मिलूला कि वॉल्यूम एटी स्क्वीज हो चली
ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି, ରିଲାଏନ୍ସ ଉପରକୁ ଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 2380 ଉପରେ ରିଲାଏନ୍ସ 10-15 ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ପ୍ରାଉଡ଼ଲି କହିପାରିବି କି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ଦେଇଥିଲି ନଲେଜ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଏ କାମଟି କରିଛୁ। ତ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି? ଏପିସୋଡ୍ ନମ୍ବର 25 ଆଜି ଯାହା ଶିଖେଇବି କାଲିକି ମାର୍କେଟରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଶିଖିବେ, ବାସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉନି। ତ ଏବେ କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ କି ନିଫ୍ଟିରେ କାଲି କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 16950 ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ନିଫ୍ଟିରେ ସପୋର୍ଟ 16950। ଏ ଲେବୁଲ ତଳେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରାସ୍ କରୁଛେ କିମ୍ବା ୟା ତଳେ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଓପନ୍ ହେଉଛେ, ତ ବହୁତ ତଳେ ମାନେ 16800 ଇଏ ଲେବଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଡାଉନଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ 16950 ତଳେ। କ୍ଲିଅର? ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ 17080 ଉପରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ, ବିକଜ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବନିଛି କପ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ୟାକୁ ଯଦି କ୍ଲିଅର୍ କରୁଛେ ୟା ଉପରେ 17080 ଉପରେ ଆଉ 40-50 ପଏଣ୍ଟ 60 ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ବାସ୍ ଏଇଟା ନିଫ୍ଟିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ଲି ଜଣେ ଟ୍ରେଡର୍ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ବୁଝାଏ, ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିକରି 8-10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟକ୍। କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ କରିବ। ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଲିଛେ, ଡାଉନଫଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ ଡାଉନଫଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ 7100 ତଳେ କାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଫଲ୍ ଦେବ, ମୋର୍ ଫଲ୍ 7050 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାସ୍ ହେଇପାରେ, ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଭେରି ହାଇ 7000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜି କହୁଛି, କାଲି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇପାରେ। ଆପଣ କେବେ ଆରେ ସାର୍ କହିଥିଲେ 7100 ତଳେ 50-100 ପଏଣ୍ଟର କ୍ରାସ୍ ଆସିପାରେ। ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିଫ୍ଟି ଯେମିତି ବନିଛି ବଜାଜରେ ସେଇଭଳିଆ 7180-7200 ଇଏ ଏରିଆ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଠି ଆଜି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇଛେ। ଏ ଏରିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପାର କରୁଛେ 7200 ବା 7180, ୟା ଉପରେ ପୁଣି 50-70 ପଏଣ୍ଟର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଆରାମରେ ଉପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଥିଓରି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଥିଓରି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି କାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଆମକୁ କ'ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଏ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଥରେ ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ସପୋର୍ଟ ନେଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ସପୋର୍ଟ ଏଠି ଥରେ ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ତ ଏ 3 ସପୋର୍ଟ ତଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଖସିପାରେ। ଏମିତିରେ ବି ବଜାଜର ଆଗକୁ ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ 7000 ଗୋଟେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ବନିବ ବନିବ, ବଟ 7100 ତଳେ 7050 ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲେବଲ୍। ବାକି ନିଫ୍ଟିର ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମିଳିବ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, କିପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି।